और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई और मैं यहाँ पर रूम से मतलब सीढ़ी से मैं नीचे आ रही हूँ। मम्मी रेडी हो रही थी तो मम्मी के साथ मैं मार्केट जाऊँगी। और ये इस टाइम शायद क्या सुबह का ही 11 बज रहा था, 11 या 11:15 ऐसा कुछ हो रहा था। और इस टाइम इतना धूप था, हम लोग सोचे कि जल्दी जाएंगे, जल्दी मार्केट करके आएंगे और उसके बाद मुझे मेहंदी वगैरह लगवाना था। तो मैं सोची मॉर्निंग में ही जाके जल्दी से मार्केट हो जाएगा, फिर उसके बाद दोपहर में मेहंदी वगैरह लगा लेंगे, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा मतलब लेजी टाइप में लगता है मेहंदी उदी लगवाने में। और मुझे नहीं पता था इतनी धूप में मैं जाऊंगी और अचानक से इतना धूप मुझे लगेगा, और फिर उसके बाद मेरा तबीयत इतना मार्केट में ख़राब हो गया कि मैं अच्छे से कुछ भी सूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरा मन एकदम ही ठीक नहीं था। और देखिए यहाँ पे हम लोग मतलब टोटो से जाएंगे, तो हम मम्मी पैदल जा रहे कुजूर, तो वहाँ से टोटो मिलेगा तो टोटो से चले जाएँगे। फ़िलहाल अभी घर से ही बाहर निकले हैं और कल तीज है, तो आज हम लोग का नहाए खाए होता है, तो आज के दिन ही जो भी है फ्रूट वगैरह सिंगार पट्टार जो भी है इसका सामान आज ही हम लोग ले लेते हैं। तो मैं खास कर गई थी क्योंकि मुझे चूड़ी वगैरह ये सब लेना था, तो मैं सोची मैं अपनी पसंद से ले लूँगी, बिंदी चूड़ी सिंदूर वगैरह लेना था, इसीलिए मैं गई थी। बट जाके मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया, मैं कुछ ले भी नहीं पाई सही से, बस गई और आ गई। और देखिए यहाँ टोटो से जा रही हूँ, और ये हमारा मतलब मार्केट के थोड़े ही दूर में टोटो ऑटो स्टैंड है, तो मैं वहाँ पहुँची, फिर वहाँ से मैं पैदल अंदर मार्केट गई। तो इतना थोड़ा थोड़ा पैदल चलने से ही मतलब मेरा सर घूमने लगा, इतना धूप था। और देखिए यहाँ पे पास में एक छोटा सा मॉल टाइप में कोलकाता बाज़ार, तो वहाँ पे मैं अंदर जाऊँगी, कुछ देखना था मुझे प्लाज़ो वगैरह ये सब, तो बट मुझे कुछ खास लगा नहीं और पसंद भी नहीं आया, और प्लस उसके बाद दाम भी बहुत ज़्यादा था, डबल का ट्रिपल रेट था, तो मैं बोली नहीं रहने दो। तो देखिए यहाँ पे मैं अंदर मैं और मम्मी जाऊँगी, मम्मी वहाँ पे कुछ पैक वगैरह काउंटर में देने गई है। और आप कल वाला ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा, तीज का ब्लॉग, ये तो खैर तीज की शॉपिंग का ब्लॉग है, और कल मैं डालूँगी तीज का सारा अपडेट, दूँगी सुबह से शाम तक मैं क्या की और कैसे पूजा हुआ, मैं क्या ड्रेस पहनी, मैं सब कुछ ब्लॉग में दिखाऊँगी, तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और देखिए यहाँ पे मम्मी फ्रूट्स ले रही थी पूजा के लिए, और मेन प्रसाद होता है तीज का ये अनरसा की मनरसा, क्या इसे बोलते हैं नहीं पता मुझे सही से, ये कुछ खोए का रहता है, कुछ सिंपल सा प्लेन सा रहता है। और तो ये मम्मी यहाँ से लेगी प्रसाद के लिए, और भी बहुत कुछ ली, बट मैं बोली मैं तबीयत ख़राब था तो इसलिए मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई। ऐसे तो बहुत कुछ ली, जैसे दान का सामान सिगार वगैरह सब भी ली थी, बट मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। और देखिए यहाँ पे मैं मतलब इसी तरह कॉस्मेटिक स्टोर में आ गई क्योंकि नेल पेंट भी लेना ज़रूरी था, तो मैं यही पसंद कर रही हूँ, बट मेरा मूड नहीं है कुछ भी लेने का, मैं ज़बरदस्ती देख रही हूँ। और यहाँ सोची कि मैं लिपस्टिक वगैरह देखूँगी, बट ये मुझे लोकल मार्केट से लिपस्टिक पसंद नहीं आता, मुझे ज़्यादातर ऑनलाइन वगैरह ही पसंद आता है। तो बस इतना ही मेहंदी और ये सब लेके घर आ गई। और देखिए घर आने के बाद मेरी छोटी बहन मुझे मेहंदी लगा रही है, और मैं सोई थी कब ये मुझे मेहंदी पूरा लगा दी मुझे पता ही नहीं चला, जब सो के उठी थी कंप्लीट हो गया और छूट भी गया था थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम हो गया था और मैं पार्लर जा रही थी आईब्रो बनवाने के लिए, और थोड़ा मैं सो के उठी थी, थोड़ा सा मूड मेरा सही लग रहा था, तो सोची मैं क्यों ना जाके पार्लर आईब्रो बनवा लूँ, सही करवा लूँ। बट गई तो मेरा इतना किस्मत ख़राब था, पार्लर में बहुत भीड़ था, कोई मुझे 2 घंटे का टाइम दे रही है, कोई आधे घंटे का टाइम दे रही है, मतलब थोड़ी देर बाद आई है, तो उतना मैं वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं गई। और फिर मैं वहाँ पे मतलब बहुत भीड़ था तो मैं वापस आ गई, और मैं यहाँ पे मम्मी के साथ जाके थोड़ा मार्केट मतलब वहीं पे घर से थोड़ी दूर में गुपचुप वगैरह खाई, और फिर मैं घर आ गई क्योंकि जो काम के लिए गई थी वो काम हुआ नहीं। और
मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और कल नेक्स्ट ब्लॉग में तीज की पूजा वगैरह दिखाऊंगी, तो मेरे ब्लॉग में आप कल बने रहिएगा। बाय गाइज़।